हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश आईक्यू लाइव में। प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं और 2025 में बोर्ड परीक्षा देंगे, और ये बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं कि सर ग्रामर के इतने सारे टॉपिक हैं, 15 से 20 टॉपिक हैं, क्या हर टॉपिक को पढ़ना जरूरी है? सर हमारी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है, सर हमें टेंस समझ में नहीं आता है, सर हमें वॉइस समझ में नहीं आता है, सर हमें प्रीपोजिशन समझ में नहीं आता है, तो फिर सर कैसे हम 90 out of 90 95% लाएंगे अंग्रेजी में? प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियोस होने वाली है, ये वीडियोस बहुत लंबी नहीं होगी, बहुत ही छोटी होगी, और इस वीडियोस में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सब बातें बताने वाला हूं, जो भी बच्चे 2025 में बोर्ड परीक्षा देंगे। एक बार सभी सबसे पहले सभी बच्चे बताइए, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अंग्रेजी ग्रामर से डर लगता है, जिन्हें अंग्रेजी में 95 out of 95 लाने का सपना देखा है? क्या आप सभी बच्चे 95 लाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन बचपन से अंग्रेजी नहीं पढ़े? तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको ग्रामर की बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो थोड़े मुश्किल लगते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा रूल्स हैं, बहुत ज्यादा नियम्स हैं, सर इतना कैसे पढ़ेंगे, ये सब चीजें आती हैं, आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन आज के वीडियोज में प्यारे बच्चों, मैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि बस उस टॉपिक को पढ़ लोगे तो इंग्लिश ग्रामर में, जो इंग्लिश ग्रामर हमारा होता है, उसमें आप 50/50 लेकर के आ जाओगे। अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों इंग्लिश की, क्या चीज की बात करें, तो प्यारे बच्चों अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, तो ये जो इंग्लिश है ना, ये जो हमारा इंग्लिश है, ये इंग्लिश 100 मार्क्स का है। ये इंग्लिश कितने मार्क्स का है प्यारे बच्चों? तो ये इंग्लिश प्यारे बच्चों हमारा 100 मार्क्स का है। कितने नंबर का है? तो ये इंग्लिश प्यारे बच्चों हमारा 100 मार्क्स का है। इस 100 मार्क्स के अंग्रेजी को, ये जो हमारे 100 मार्क्स के अंग्रेजी हैं, इस 100 मार्क्स के अंग्रेजी को प्यारे बच्चों दो भाग में बांटा गया है। इस 100 मार्क्स के अंग्रेजी को कितने भाग में बांटा गया है? तो 100 मार्क्स के अंग्रेजी को दो भाग में बांटा गया है। एक तो हो गया प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव, एक क्या हो गया सब्जेक्टिव, दूसरा हो गया प्यारे बच्चों हमारा ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या हो गया प्यारे बच्चों? तो दूसरा हो गया प्यारे बच्चों हमारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब देखो ये सब्जेक्टिव हमारा कितने नंबर का होता है, सभी बच्चे बताएंगे। गुरुजी ये हमारा 50 मार्क्स का होता है। इसके बारे में किसी और वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की हम लोग डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव। ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो ये ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों हमारा कितने नंबर का रहेगा? गुरुजी ये हमारा 50 अंक का रहता है। ये ऑब्जेक्टिव हमारा कितने नंबर का रहता है? 50। इस ऑब्जेक्टिव को प्यारे बच्चों दो भाग में बांटा गया है, एक ग्रामर, एक जो आपके इंग्लिश के ग्रामर है, दूसरा जो इंग्लिश के बुक है, है ना। तो बुक से जो क्वेश्चंस रहते हैं प्यारे बच्चों, ये कितने क्वेश्चंस रहते हैं? तो गुरुजी इसमें से 40 क्वेश्चन रहते हैं। बुक में कितने क्वेश्चन रहते हैं? 40। जो ग्रामर रहते हैं प्यारे बच्चों, ये ग्रामर में कितने क्वेश्चंस रहते हैं? तो गुरुजी इसमें से 60 क्वेश्चंस रहते हैं। क्या गुरुजी हम बुक को एक एक क्वेश्चंस रट लेंगे? सर पूरा रेनबो पार्ट 2 स्टोरी ऑफ इंग्लिश को एक एक लाइन को रट लिए हैं, क्या हमें इसमें 40 में 40 आ सकता है? हमें लगता है आप पूरा लाइन बाय लाइन भी अगर पढ़ लिए हो ना, कुछ बुक के क्वेश्चन इस प्रकार के भी पूछ देते हैं कि किसी भी चैप्टर का लाइन उठा करके आपको दे देगा, बताएगा ये आपको बताना रहेगा ये कौन चैप्टर से। तो इसमें हमें लगता है कुछ बच्चे फंसने लगते हैं। आप बहुत अच्छे हो बुक में ना, पूरा रट्टू तोता की तरह एक एक लाइन को आपने पढ़ लिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें लगता है 40 में 40 नहीं बना पाओगे, है ना। तो गुरुजी हमें तो लाना है कितना? 50 मार्क्स लाना है। जब गुरुजी हम बुक में 40 क्वेश्चंस नहीं ला पाएंगे, मतलब मान लो गुरुजी हमें यहां से तो 30 नंबर आ रहा है, तो फिर सर 20 नंबर कहां से लाएंगे? गुरुजी हमारी अंग्रेजी बहुत कमजोर है, सर हमें ग्रामर समझ में नहीं आता है, सर कैसे हम 20 टॉपिक को पढ़ेंगे, सर हमसे रूल याद नहीं होता, आपको परेशान नहीं होना है। ये जो इंग्लिश ग्रामर के आपको 60 क्वेश्चन है ना, ये इंग्लिश ग्रामर से जो 60 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 60 और 40 टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 100। लेकिन बनाना 50 ही क्वेश्चन है, बनाना कितना है? 50 है, यस और नो? तो मान लो तुमने बुक का 40 में से 30 क्वेश्चन बना लिया, तो और हमें कितना क्वेश्चन बनाने की जरूरत है? गुरुजी और हमें 20 क्वेश्चन बनाने की जरूरत है। 20 क्वेश्चन कहां से बनाओगे? तो ग्रामर से बनाओगे। तो मैं आज आपको ग्रामर के वो आसान टॉपिक, जिसको देखने के साथ ही आप टिक कर सकते हो, वो बच्चा वाला कुछ टॉपिक बताने वाला हूं, जो बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर भी नहीं है, बहुत ज्यादा रूल्स भी नहीं है, और बहुत क्वेश्चंस उसका रिपीट किया जाता है, बार बार एक ही तरह का क्वेश्चन उठा के डाल दिया जाता है, है ना। तो हम आज की क्लास में प्यारे बच्चों, मेरा जो आज की क्लास होगा, इसमें मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में, ठीक है, कि इंग्लिश ग्रामर में 50/50 कैसे लें, ये तो होगा ही होगा, साथ में इंग्लिश ग्रामर में के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं,
जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जिसको पढ़ करके वैसे बच्चे जो पूरा जीरो है अंग्रेजी में, वो बच्चे भी 20-25 नंबर आराम से ला सकते हैं। तो क्या आप लोग जानने के लिए तैयार हो? बोलो यस और नो, एक बार चैट बॉक्स में बोलो कि हाँ गुरुजी हम लोग तो जानने के लिए तैयार हैं। एक चीज और प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास ट्वेल्थ में है, क्या चीज में है प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास ट्वेल्थ में है और आप भी चाहते हैं क्या कि गुरुजी हम भी चाहते हैं कि हमारा क्या लगे, गुरुजी हम भी चाहते हैं कि हमें अंग्रेजी में, गुरुजी हम भी चाहते हैं कि हमें अंग्रेजी में 95 out of 95 में, ऐसे कितने बच्चे चाहते हैं कि गुरुजी हमें 95 out of 95 लाना इंग्लिश में, क्या आप सभी बच्चे लाना चाहते हो अंग्रेजी में 95 out of 95? कितने बच्चे, चैट बॉक्स में एक बार लिखो यस और नो। सभी बच्चे एक बार चैट बॉक्स में लिखिए कि गुरुजी हम लोग 95/95 अंग्रेजी ग्रामर में लाना चाहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप हमारा स्कोर बूस्टर बैच ज्वाइन कर सकते हो, बिहार का सबसे सस्ता, जिसमें 12वीं के अंग्रेजी और हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश बुक, हिंदी बुक, टेस्ट, डाउट क्लासेस, सब कुछ, चैप्टर वाइज नोट्स, सब कुछ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रामबाण सीरीज, 150 रूल्स ऑफ ग्रामर, सब कुछ मिलेगा मात्र 249 रुपए में। तो प्यारे बच्चों आप हमारे इस बैच में इनरोल कर सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब प्यारे बच्चों हम लोग बहुत शेयर मतलब शुरू करते हैं, और आपने अगर वीडियोस को शेयर नहीं किया है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलो भैया अब प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। देखो ग्रामर की अगर हम बात करें तो हमारे पास लगभग 15 टॉपिक्स हैं, हमारे पास कितने टॉपिक्स हैं, लगभग 15, और कुछ कुछ टॉपिक है जैसे मान लो, जैसे हमारा होता है, जैसे मान लो हम बताना चाहें, ठीक है, जैसे मान लो idioms and phrases हो गया, idioms and phrases हो गया, ठीक है, idioms and phrases हो गया, और इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, चलो उसके बारे में वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे मान लो अगर हम टेंस की बात करते हैं, तो टेंस मैंने ही आपको 22 क्लास पढ़ाया है, कितना 22 क्लासेस मैंने आपको टेंस में पढ़ाया, बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत ही लेंथी चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद बात करें बच्चा वॉइस, बहुत ज्यादा रूल्स होते हैं, मॉडल्स जो कैन कुड वाला होता है हम लोग अभी पढ़ेंगे, लेकिन ये लिखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है कैन कुड वाला। ठीक है, प्रीपोजिशन जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, बहुत सारा प्रीपोजिशन होता है, एट होता है, ऑन होता है, इन होता है, ठीक है, ऑन टू होता है, बहुत सारे होते हैं। वर्ब बहुत लंबा चैप्टर है, एडवर्ब ये सब लंबा चैप्टर है, इडियम्स एंड फ्रेजेस जिसे मुहावरा बोलते हैं, तो ये सारे के सारे जो है ना थोड़े से मुश्किल लगते हैं बच्चों को कि गुरुजी ये इतना बड़ा बड़ा। इसी में प्यारे बच्चों एक नरेशन में से छूट ही गया, नरेशन काफी लेंथी चैप्टर है, लंबा चौड़ा रूल होता है। ठीक है, तो ये थोड़े से टफ लगते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप अंग्रेजी में जीरो हो और आप चाहते हो कि सर गुरुजी हमें तो अंग्रेजी में 95 out of 95 लाना ही लाना है ना, लाना है ना, तो प्यारे बच्चों इधर जो मैंने चैप्टर्स लिखे हैं कुछ, ये चैप्टर्स ऐसे है ना जैसे हम बात करते हैं आर्टिकल्स, ये चैप्टर पढ़ करके ये चैप्टर्स कह सकते हैं आसान टॉपिक्स हैं, ये आसान टॉपिक्स हैं, ये सब क्या है, तो प्यारे बच्चों इधर जो लिखा मैंने आप आर्टिकल्स को पढ़ो, बहुत ज्यादा नहीं, 4 से 5 क्लासेस हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, आसान आसान रूल है, है ना, आसान रूल है, जैसे नाउन हो गया, ठीक है, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, रिमूव टू, एक क्लास पढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे पूछ देगा, स्पेलिंग टेस्ट, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण स्पेलिंग ऐसे रहते हैं जिसको देख करके आप बना लोगे, 2-3-4 स्पेलिंग पूछ देता है, सिनोनिम्स जो समानार्थी शब्द होते हैं, एंटोनिम्स जो उल्टा शब्द होते हैं, क्वेश्चन टैग। तो इधर मान लो आपके यहां से लेकर के यहां तक में कितने टॉपिक हुए प्यारे बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगर हम ऑन एन एवरेज, ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर हम बात करते हैं, ऑन एन एवरेज प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं, तो ऑन एन एवरेज प्यारे बच्चों एक चैप्टर से अगर 3 से 4 सवाल भी पूछा तो 9 * 3 = 27, ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से ज्यादा सवाल भी पूछ देते हैं, ज्यादा क्वेश्चन भी पूछ देते हैं, तो वहां से प्यारे बच्चों आप क्या कर सकते हो, बोर्ड में बड़े आसानी से नंबर ला सकते हो। ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, जैसे आर्टिकल्स आसान है, नाउन पढ़ लो, प्रोनाउन पढ़ लो, एडजेक्टिव पढ़ लो, रिमूव टू पढ़ लो, स्पेलिंग टेस्ट पढ़ लो, सिनोनिम्स पढ़ लो, एंटोनिम्स पढ़ लो, क्वेश्चन टैग पढ़ लो। ठीक है, कोई कोई ऐसा टॉपिक है ना इसमें जिससे 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी दे देते हैं, 5-5 क्वेश्चन भी दे देते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो मिनिमम रहेगा, 2-3 मिनिमम रहते हैं, कभी कभी बढ़ा भी देते हैं। तो आप इस टॉपिक को पढ़ करके, आपको अंग्रेजी कुछ नहीं जानते हो फिर भी आप अंग्रेजी में 95 out of 95 ला सकते हो, यस और नो। तो वीडियोस कैसा लगा कमेंट करके बताना, हमारा लाइव क्लासेस चलता है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएगा ऐप पे, ठीक है, प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे बहुत सारे पैनल पीडीएफ मैं फ्री देता हूँ, नोट्स फ्री देता हूँ, आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो, मैं टेलीग्राम का लिंक भेजूंगा और आप हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद प्यारे बच्चों।